हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज एसएससी सीजीएल 2022 के प्री का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का मैं आपको बताने आया हूँ एनालाइज कि आज कैसा कैसा एग्ज़ाम आया था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट वन की। तो शिफ्ट वन में आपका जो इंग्लिश का पेपर था वो बहुत ही ईजी आया था, जिसमें वो कैब भी प्रीवियस ईयर की आई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें मैथ्स की। तो मैथ्स का जो पेपर आया था वो ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, आप उसको आराम से 20+ कर लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी बहुत इजी आई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जीके की। तो जीके सेक्शन जो होता वो इजी टू मॉडरेट था, जिसमें करंट अफेयर्स के जो थे वो 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, और जो स्टैटिक जीके के थे वो भी 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, ये था शिफ्ट वन का, जिसमें एवरेज जो था आपका वो 75 से लेके 80 के बीच में था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट टू की। तो शिफ्ट टू में जो इंग्लिश थी वो ईजी थी। ठीक है, वो कैब भी प्रीवियस ईयर थी। और इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स जो थी वो इजी थी, लेकिन जो डीआई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो थी वो भी इजी थी, और जीके जो थी वो उसमें जो करंट अफेयर्स आई थी वो भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के। ठीक है दोस्तों, ये भी एवरेज इसका भी जो था वो इसी के आसपास था, 75 से लेके 85 के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट थ्री की। तो शिफ्ट थ्री में जो इंग्लिश का पेपर था वो बहुत ही ईजी आया था। ठीक है दोस्तों, और मैथ्स भी बहुत इजी आई थी, वन लाइनर मैथ आई थी दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो वो भी इजी आया था, एक दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ट्रिकी थे। ठीक है, और जीके भी इजी आई थी, इजी टू मॉडरेट थी, करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर भी। ठीक है, अभी तक की जो सबसे ईजी शिफ्ट थी आज के जो चारों पेपर हुए थे उसके अंदर वो शिफ्ट थ्री का जो पेपर था वो सबसे ज़्यादा ईजी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट फोर की। तो शिफ्ट फोर का जो इंग्लिश का पेपर था मॉडरेट ही था, ये कह सकते हैं आप, मॉडरेट था। उसमें दो नई वोकैब देखने को मिली थी आपको आपकी। उसके बाद मैथ का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, रीजनिंग जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी, और जीके की बात करें तो वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे मार्च 2022 के। ठीक है दोस्तों, अगर ऊपर मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो जो एवरेज था वो 75 से लेके 85 के बीच में था। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला है कि पेपर इस बार जो है वो थोड़ा इजी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप भी कल जब और आगे वाली शिफ्ट जितनी भी आएंगी देखने आपके एग्ज़ाम की, तो आप उसमें अच्छे से अच्छा करके आइए। ठीक है दोस्तों, बस मैं ये आपको ये बताने आया था कि आपका जो पेपर का लेवल आ रहा है वो थोड़ा अच्छा आ रहा है, मतलब ठीक ठाक आप कर लेंगे 80 के आसपास, अगर आप थोड़ा भी पढ़ के गए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, बाकी कल का मैं आपको ये बता दूंगा एनालाइज करके, शाम को ही आके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।